बात साथियों, अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ से मैं आप सभी का मित्र गोविंद लाल ओढ़ आज उदयपुर के सबीना मजदूर चौराहे पर एवं गोवर्धन विलास मजदूर चौराहे पर हमारे मजदूर भाई और बहनों को आज सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की जानकारियां दी गई। आज मजदूर भाइयों को लेबर हेल्पलाइन के बारे में बताया गया कि वो किस प्रकार अगर कहीं मजदूरी करते हैं और मजदूरी के दौरान उनकी कोई घटना हो जाती है या मारपीट हो जाती है या उनके साथ कोई हिंसा होती है तो वो किस प्रकार से अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं, उसके बारे में जानकारी दी। और इसके साथ ही राजस्थान भवन एवं अन्य कर्मकार मंडल द्वारा BOCW श्रम विभाग की योजनाओं के बारे में उनको जानकारियां दी गई। मोटे रूप में श्रमिकों के बच्चों के लिए बहुत ही बड़ी संख्या में उनको छात्रवृत्ति मिलती है। इसके साथ ही उनकी अगर पुत्री है और 18 साल की पूरी हो गई है उसको 55,000 रुपये की जो है सहायता दी जाती है। अगर कोई मजदूर भाई है और वो अपना श्रमिक कार्ड उसने बनवा रखा है और किसी भी कारण से दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो जाती है तो 5 लाख रुपए का उसका जो है बीमा होता है। सामान्य मृत्यु पे 2 लाख रुपए का बीमा होता है। इसके साथ ही उसकी अगर अपंगता हो जाती है तो उसके ऊपर भी मेडिकल का जो भुगतान है वो किया जाता है और उसको आर्थिक सहायता भी उसमें प्रदान की जाती है। सिलिकोसिस पीड़ितों के लिए भी बहुत सारा प्रावधान है उसके अंदर। अगर सिलिकोसिस बीमारी के कोई पीड़ित है तो उसको भी तत्काल सरकार की तरफ से सहायता दी जाती है। इसके साथ ही जो अभी NCCL के द्वारा जो पालनहार योजना के जो आवेदन भरे जा रहे हैं उसको जो है आज भरे गए हैं। इस योजना के अंतर्गत जो मजदूर है अगर वो कहीं भी अस्पताल में बीमार रहता है और भर्ती के दौरान उसका बीमार हो जाता है, पीलिया या कोई भी अन्य बीमारी हो जाती है तो उस दौरान उस मजदूर भाई को 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। इसके बारे में भी उनको जानकारी दी गई। इसके साथ ही अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ का लीडरशिप और उसकी सदस्यता अभियान भी साथ का साथ चलाया जा रहा है जिससे कि अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ की ताकत भी बढ़े और संगठन में भी मजबूती आए। लगातार अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ 11 वर्षों से लगातार मजदूर भाइयों के सर्वांगीण विकास पर अपना काम कर रहा है और लगातार हम मजदूर भाइयों के बीच में जाकर नाकों पर जाकर गाँव में जाकर जहाँ भी मजदूर भाई रहते हैं उनके बीच में जाकर मजदूरों के हितार्थ के लिए हर प्रयास कर रहे हैं। मैं अपने सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा जो अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ में आप अपना योगदान दे रहे हैं और तन मन और धन के साथ पूरी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। मैं आपको सभी को सच्चे हृदय से आपको जिंदाबाद कहता हूँ। सबीना चौकी का नज़ारा है, मौसम बड़ा ख़राब है, हम भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं, हमारे भाऊजी भी देखो प्रचार कर रहे हैं। सर्विस कार्ड बनाना जरूरी है साहब, देखो प्रचार करते हैं लेकिन ये कागज नहीं लाते क्या करें। आप भी इनको आग्रह करो कागज लेके आओ। गोविंद जी कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं, गोविंद जी के साथ हम भी। बहुत बहुत धन्यवाद और हम अपने मजदूर भाइयों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। हर शुक्रवार को आते हैं, अगर ले जाए ना आधार कार्ड राशन कार्ड बैंक ले जाएंगे आराम कर दूंगा। ई मित्र से भराओगे तो 1000 रुपये लूट लेगा, मैं आऊँगा फ्री में भर के दे रहा हूँ और क्या चाहिए। जानकारी देते हैं क्योंकि मेरा बॉस बन गया है तो अब बॉस बनना ही पड़ेगा। नहीं, मेरे मजदूर साथियों के बीच में प्रचार चल रहा है। सरकार 10 साल से क्या सरकार योजना की है कि भाई डायरी बनाओ मजदूरी डायरी बनाओ, लेकिन अपना 10 साल आज कुछ ना लगा। आज अपने न्यूज जानने वाला भाई देखे हूँ, आज देखो जमाना वाला देखे हो ना, पेपर वाला देख रहा सब कही हमारे घर और फाइलों की खूब दिखे आप लोग फाइलों नहीं ले पाएगा। हम लोग कारण जो है अपने जानकारी देवा वालों को आवे नहीं, जानकारी देवा वालों को तो आदमी आवे नहीं, माना उसको लोग भी आता है लेकिन जो आपने कार्ड में नहीं लिया छोटे छोटे ऐसे कार्ड है ना, अब वो कार्ड भी काम नहीं है। हाँ, वो मजदूर कार्ड नहीं है, वो खाली अपना एक कार्ड है। हाँ, काम में काम की तो आप गांव में जितने काम की तो गांव वाला रहा अपने घर में काम की तो मदद करेंगे।
है ना, अरब यूनियन है ना, अरब यूनियन दिया 500 रुपये आपको दे दी,
माते ये नंबर है के लेकिन ले लो और आज समीना चौराहे पे है और देखो आज जबरदस्त कोहरा है, ठंड जबरदस्त पड़ रही है और मजदूर साथी हमारे साथ है और आज समीना पे सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का प्रचार प्रसार करना है, श्रम योजनाओं का प्रचार करना है और हमारे श्रमिक भाई देखो ले जा रहे हैं लेबर लाइन का, कहीं मुसीबत में पड़े तो फोन करना है।